पेडल टाइप सिंगल पोल डबल थ्रो वाटर फ्लो स्विच हनीवेल जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसका इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं। चिलर लाइन या कंडेंसर लाइन में किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना होता है और आगे चल के मैं डिसमेंटल करके दिखाऊंगा सारे पार्ट्स, और NONC जो सर्किट है उसको मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक करना है वो भी बताऊंगा। तो ये पैडल्स हैं, इन पैडल्स पे पानी का प्रेशर पड़ता है और ये जो फ्लो स्विच है इन पैडल्स के थ्रू ही वाटर के प्रेशर या फ्लो को सेंस करता है। तो इन पैडल्स को जो चिलर लाइन है या कंडेंसर लाइन है उसके अंदर आपको डीप करना होता है और ये पैडल्स के मूवमेंट के वजह से ये फ्लो स्विच सेंस करता है कि पानी का जो फ्लो है या जो पानी की डायरेक्शन है, फ्लो है, प्रेशर है, वो इस चिलर में से निकल के या कंडेंसर में से निकल के जा रहा है या नहीं जा रहा है। जाता है तो चिलर आपका ऑन होता है, अगर नहीं जाता है तो क्या होगा, चिलर ऑन नहीं हो पाएगा। तो इस फ्लो स्विच के दो पार्ट्स हैं, एक ये रेड वाला पोर्शन जो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, इसमें इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट रहता है, कॉइल वाला पोर्शन रहता है, और नीचे मैंने आपको जो बताया पैडल वाला पोर्शन वो पानी के अंदर डिप रहता है। उसके मूवमेंट के वजह से ही जो ऊपर कॉइल वाला पोर्शन है उसमें भी आपको एक मैकेनिकल पार्ट देखने को मिलेगा। आगे चल के मैं डिसमेंटल जब करूँगा तब मैं दिखाऊँगा प्रॉपर तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपको पेडल वाले पोर्शन को डिप करने के बाद इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे इसका डायरेक्शन आपको देखना है ज़रूरी, वाटर के फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से ही आपको इसको इंस्टॉल करना होता है, नहीं तो ये गलत इंस्टॉल हो जाएगा या गलत तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर देंगे। उसके लिए आपको इस तरीके से ऊपर से ही टैग में दिख जाएगा फ्लो का डायरेक्शन या जो चिलर की आउट होती है उसका पानी का डायरेक्शन किस तरफ है, आपको उसी तरफ को इसको इंस्टॉल करना होता है। आपको बताया फ्लो स्विच हमेशा आउटलाइन में लगा रहता है, कंडेंसर हो या चिलर हो वो हमेशा आउटलाइन में आपका लगा रहता है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो वाल्व्स ओपन आपको दोबारा से कर लेने हैं और लीक टेस्ट करनी है, कहीं फ्लो स्विच से पानी लीक तो नहीं हो रहा है। अगर पानी लीक नहीं हो रहा है तो ये आपका अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, आधा आपका काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आता है। इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में आपको सिंपली ये जो ऊपर वाला कवर है रेड कलर का आपको कवर दिख रहा है, इसको अनस्क्रू करके हटा देना कुछ इस तरीके से, और ये इसका कॉइल वाला पोर्शन या इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन आपको देखने को मिल जाता है। ये ऊपर की पूरी मेटेलिक बॉडी है और ऊपर जो ब्लैक कलर का आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है ये वाला, ये आपका कॉइल वाला पोर्शन है। इसके ऊपर भी लेबल लगा है, इतने स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर भी है। तो यहाँ पर भी आपको एक फ़्लो का डायरेक्शन देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड, रेटिंग से रिलेटेड यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। तो जो कॉन्टैक्ट है NONC और कॉमन का वो भी यहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिल जाता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो 1 नंबर आपका कॉमन है, 2 नंबर आपका NC है, और 3 नंबर आपका NO हो जाता है। तो आपको एक कॉमन पे और एक NC पे आपको वायर लगानी है जिससे कि आपका कॉमन और NC का सर्किट बनेगा, और जब पानी इसमें से जाएगा तो पैडल के मूवमेंट के वजह से जो सर्किट है वो बनेगा 1 नंबर और 3 नंबर से, कॉमन और 3 नंबर से। नॉर्मल जब प्लांट बंद रहेगा, पंप नहीं चलेगा, तो सर्किट बनता है 1 नंबर और 2 नंबर से, और जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो सर्किट बनता है 1 नंबर और 3 नंबर से। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो कुछ स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं इसके। तो ये जो फ्लो स्विच है पेडल टाइप का, इसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो लगभग 1000 किलो पास्कल का है, और जो टेम्परेचर रहना चाहिए अंदर फ्लूड का वो कम से कम या मैक्सिमम से मैक्सिमम रहेगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का। विद स्टैंड प्रेशर रहेगा पानी का 91,750 किलो पास्कल का। ये सारी स्पेसिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अब देख लेते हैं ये कॉइल वाला पोर्शन। तो इसमें भी एक मैकेनिकल पार्ट रहता है, मैंने आपको बताया था, आप उसका यहाँ पर साउंड सुन सकते हैं किस तरीके से साउंड आता है इसका। तो ये साउंड जो क्रिएट हो रहा है ये पैडल के आगे पीछे होने पे ही क्रिएट होता है, जब आपका कॉइल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है और पैडल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है तो ये साउंड क्रिएट होता है। अगर इसमें स्केल आने की वजह से, जब आप कंडेंसर लाइन का जो फ्लो स्विच देखेंगे कभी भी निकाल के पुराना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्केल आ जाती है जिसके वजह से ये आगे पीछे मूव होना बंद कर देता है या पैडल आगे पीछे मूव होना बंद कर देता है, तो वो जो फ्लो स्विच होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं। चिलर्स में ऐसे चांसेस कम होते हैं, बट कंडेंसर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कंडेंसर के अंदर गर्म पानी रन करता है या जो हॉट फ्लूड है वो रन करता है, जिसके वजह से उसके अंदर स्केल बनती है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को आपको बजर पे सेट कर देना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इसको
आपको चेक करना है NONC सर्किट को। तो ये है आपका NC और कॉमन वाला सर्किट, 1 नंबर और जो मैंने आपको 2 नंबर वाला जो सर्किट दिखाया था, जब आपका पानी स्टैंड होता है तब इस तरीके का सर्किट बनता है, आप साउंड भी सुन सकते हैं। और ये है आपका NO और आपका कॉमन वाला सर्किट, 1 नंबर और 2 नंबर वाला सर्किट, जब आपका पानी का प्रेशर पेडल से टकराएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको चेक करना होता है। तो ये है उसका नीचे ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पर आपके पैडल्स कनेक्ट होते हैं, और इसी के ऊपर आपको कॉइल भी देखने को मिलती है। कॉइल के नीचे आपको ये बेलो देखने को मिलती है। बेलो का काम होता है ये बीच के गैप को कम करती है, क्योंकि अगर पैडल से होते हुए पानी ऊपर की तरफ आएगा तो ये बेलो उसको रोक के रखती है या प्रेशर क्रिएट करके रखती है कॉइल और नीचे वाले पोर्शन के बीच में। ऊपर की तरफ ये कॉइल मैंने थोड़ी सी तोड़ के रखी है क्योंकि ये काफ़ी पुराना वाला फ्लो स्विच है, और इसके अंदर ये ब्रास के कुछ पत्तियां लगी रहती हैं। जब कॉइल मूव करती है या कॉइल वर्क करती है, NONC सर्किट जब बनता है, तो ये ब्रास की प्लेट आगे पीछे इस तरीके से मूव करती है, जैसे पैडल मूव कर रहा था या इसके ऊपर का मैकेनिकल पार्ट मूव कर रहा था, तो कुछ इस तरीके से ये भी कॉइल का जो अंदर वाला पोर्शन है ब्रास वाला, वो भी मूव करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो पैडल टाइप SPDT फ्लो स्विच है वो वर्क करता है। तो ये है वो नीचे वाला पोर्शन, पैडल वाला पोर्शन। तो मैंने आपको बताया था इसमें जो पैडल्स होती हैं वो कितनी लगने वाली हैं, एक पैडल लगेगी, 2, 3, 4, वो डिपेंड करती है पाइप के डायामीटर पे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरीके से। तो जो पाइप का डायामीटर है, अगर 1 इंचेस से 2 इंचेस के नीचे रहता है, 1 से ऊपर और 2 इंचेस से नीचे रहता है, तो इसमें आपका एक पैडल कनेक्ट हो सकता है। 2 इंचेस से ऊपर और 3 इंचेस से नीचे रहेगा तो आपके 2 पैडल कनेक्ट होते हैं। 3 इंचेस से ऊपर और 6 इंचेस तक आप इसमें 3 पैडल्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं अगर आपका पाइप का डायामीटर बढ़ते जाता है तो। इसके जितने भी स्पेसिफिकेशन है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मेरे पास इसका एक डाटा शीट है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उस पर। तो कुछ इस तरीके से इसको आपको स्क्रू करना होता है पैडल्स को इस पत्ती के ऊपर, और ये पैडल आपका पानी के अंदर डिप रहता है और ये मूव करता है। इसके मूव होने की वजह से ऊपर जो कॉइल के ऊपर जो मैकेनिकल पार्ट लगा रहता है वो मूव करता है, और जो कॉइल के अंदर ब्रास है वो मूव करने की वजह से जो सर्किट है वो चेंज होता है NC से NO में, NO से NC में। तो इस तरीके से आपका ये फ्लो स्विच काम करता है। फ्लो स्विच का मैंने आपको वर्क बता दिया है, कंडेंसर और चिलर के अंदर जो वाटर का प्रेशर है उसको सेंस करना। अगर चिलर और कंडेंसर के अंदर से वाटर का प्रेशर होके नहीं निकल रहा है, तो आप अगर चिलर ऑन कर देते हैं या ये सेफ्टी नहीं रहती है, तो क्या होगा, आपका जो चिलर के अंदर ट्यूब्स हैं उनके वेयर एंड टीयर, या कंडेंसर के अंदर जो ट्यूब्स हैं उनके वेयर एंड टीयर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं वीडियो को समाप्त। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।